भारत में हर साल बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लाखों युवा टीचरी के दलदल में उतरने पर मजबूर हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से लगभग 90% टीचर्स अथॉरिटी के नशे में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। BBC चिंदी के इस एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे ही टीचर से जो 27 विद्यार्थियों को अंटे पे लेने के आरोप में 3 साल से निलंबन की सजा काट रहा है। टीचरी का रास्ता क्यों चुना आपने? मतलब कभी भगवान से डर नहीं लगा आपको? टीचर इसलिए बना क्योंकि पढ़ने में अच्छा नहीं था, पैशन फॉलो करना था लेकिन पैशन नहीं था। एक दिन पड़ोस वाले अंकल ने बोला कि मेरे 5वीं के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो मैथ। वो मैथ पढ़ने के लिए हंसते हुए आया। उसे हंसता हुआ देख के मेरा खून खौल गया, वेपर बन गया खून। मैं खींच के मारा गाल पे, रोने लगा। उसे रोता हुआ देख के एक गजब से पावर का, कंप्लीट कंट्रोल का एहसास हुआ। ईगो को बूस्ट मिला। जब तुम्हारे सामने कोई लाचार होके प्लीज सर कह रहा होता, अब ट्यूशन पढ़ाने के लिए रोज वही चाहिए था। उसके पापा ने बोला मत पढ़ाओ ट्यूशन। मैं 500 रुपये दे के ट्यूशन पढ़ाने लगा। अब नए बच्चे चाहिए थे, नई चीखें सुननी थी, पनिशमेंट देना था किसी ना किसी को। मैं बच्चे ढूंढने लगा, विद्या मंदिर चला गया। मेरा गुस्सा देखते उन्होंने मुझे क्लास टीचर बना दिया। यही तो मैं चाहता था। स्कूल में पहला बच्चा कौन था जिसे आपने मारा था? सोनू, सूद पे पैसे लेके पढ़ता था। वो न्यू एडमिशन था। न्यू एडमिशन्स को शिकार बनाना आसान होता है क्योंकि उन्हें रूल्स का पता नहीं होता। उसे देखते ही मुझे लग गया था कि ये उस टाइप का है। घोसड़े के उस टाइप का से क्या मतलब है? आपको नहीं पता किस टाइप का? आवारा और शरारती किस्म का लड़का। उसने भड़काऊ कपड़े पहन रखे थे, शर्ट नीचे तक लटक रखी थी, छाती के 2 बटन खोल रखे थे, टाई घुटनों तक थी। सैटरडे के दिन ब्लैक शूज पहन के आया था। यहाँ पे बूमर टैटू लगा रखा था, बालों में जेल लगा रखा था, स्पाइक बना रखा था। ऐसे स्टूडेंट को देख के किसी भी टीचर का मन बहक जाएगा। मेरा भी बहक गया। किसी शरीफ घर का लड़का ऐसे कपड़े पहन के स्कूल नहीं आएगा। गुस्सा तो था ही, हाथ में डस्टर था, डस्टर लिया, निशाना लगाया, ऐसे हेडशॉट मारा, साला वही चित हो गया। एक सेकंड, ब्रेक ले लो। ये क्या कर रहे हैं आप? सिगरेट पी रहा हूं। सिगरेट का है? मतलब दिमागी हालत ठीक है तुम्हारी? टीचर वाली बात है तुमने। वैसे किन बच्चों को अपना शिकार बनाते थे आप? 8वीं तक के बच्चों को। वो डरे से हमें रहते थे, स्कूल में बदनामी के डर से प्रिंसिपल को शिकायत भी नहीं करते थे। ज़्यादातर मैं असेंबली में उनके नाखून चेक करने के बहाने से अपने शिकार की पहचान करता था, फिर घात लगा के खाली पीरियड होने का इंतजार करता था, क्योंकि खाली पीरियड में उनके गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन हाँ, मैं 11th-12th के बच्चों से दूर रहता था। उन सालों में हार्मोन्स आ गए थे, उन्हें एक मारो तो 2 मारते थे और रसीद काट के भी देते थे। क्या आपको याद है कि अब तक आपने कितने बच्चों की गांड तोड़ी है? 27। हर बच्चे को पनिशमेंट देने के बाद उसका नाम, उसका रोल नंबर लिख लेता था और निशानी के तौर पे उससे जुड़ी कोई एक चीज जैसे रफ कॉपी, डायरी, स्केच या उसका मासूम बचपन जमा कर लेता था। क्या क्या तरीके अपनाते थे आप बच्चों को मारने के लिए? अपने दोनों घुटनों के बीच उनका सर फंसा के पीठ पे कोहनी मारता था, कान पकड़वा के मुर्गा बनवाता था, फिर उनके अंडे देने का इंतजार करता था, दोनों हाथ ऊपर उठवाता था, फिर दोनों पैर ऊपर उठवाता था। और चीखे निकलवाने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? ए, अपना हाथ लो, ऐसे पेन
उंगली के बीच फंसा के फट गई ना गांड, ये मजा आता था। इंसान जब अपनी हदों को पार कर लेता है तब वो जानवर बन जाता है, और टीचर अपनी हदों को पार करके बन जाता है एक हरामी टीचर। स्कूल से सस्पेंड होने के बाद कभी पछतावा हुआ आपको कि जो कि आपने गलत किया? बिल्कुल नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बचती, एक हाथ से बस गाल बचते हैं। उनकी भी बराबर की गलती थी, वो बच्चे चाहते थे कि मैं जाऊं और उनको मारूं। उनकी आंखों में एक आमंत्रण होता था, इस बार स्कूल गया तो और बुरी तरीके से मारूंगा। निलंबित होने के बाद यहाँ कैसे रहते हो, मतलब घर कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। अगर उंगली नहीं टूटी होती ना तो अभी गांड तोड़ देता मैं। वैलिड पॉइंट, लगता सही में राज जानना चाहते हो। ट्यूशन के पैसे से तो दो वक्त का एंजॉय भी नहीं कर सकता मैं, इसलिए ऑनलाइन ट्यूशन लेट ज्वाइन करता हूँ और बच्चों पर लेट होने का फाइन लगाता हूँ। गार्ड की खैनी मलता हूँ, पड़ोसी के कुत्ते को बाहर टट्टी कराने ले जाता हूँ, बाई के घर पोछा लगाता हूँ ताकि इससे जो पैसे कमाऊँ कॉइन स्विच में इन्वेस्ट करके अमीर बन जाऊँ। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना तो मुश्किल प्रोसेस होगा? अरे कॉइन स्विच पे बहुत आसान है, सुपर फास्ट एंड स्मार्ट KYC प्रोसेस है। शुरू में तो सिर्फ मैंने 100 रुपये ही लगाए थे, बिटकॉइन बढ़ा तो 75 और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। सिक्योर ऐप है बहुत, इंडिया का बेस्ट ऐप है, तुम भी डाउनलोड करो। रेफरल कोड यूज़ करो, 50 रुपये भी मिलेंगे। कब तक पत्रकारिता से पेट भरोगे? सही बोल रहे हो, ब्रांड प्रमोशन से जो पैसा मिलेगा सारा कॉइन स्विच पे लगा दूंगा। ये चिंदीगिरी करना बंद करो और BBC चिंदी खरीद लो, क्रिप्टो में बहुत पैसा है। औकात में रहिए। बच्चों को पीटने की पुरानी तलब वापस नहीं आती? तलब अब तड़प बन चुकी है, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने में कोई मजा नहीं रह गया। बच्चे सामने दिख रहे होते हैं, उन्हें मार नहीं पाता, ये भी लगता है कि उन्हें गलत मारता था। मारने के और क्रिएटिव तरीके हो सकते थे मेरे पास, इस बार मौका मिले तो रोल नंबर पे ODI-1 का रूल लगा के मारूंगा। आपको नहीं लगता कि वो बच्चे भी बड़े होकर आपकी तरह मादरचोद बन सकते हैं? यही तो चाहता हूँ मैं, उन्हें जिंदगी भर का एक ट्रॉमा दे देना चाहता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लो कर देना चाहता हूँ, नहीं तो सब कुछ अमेरिका की तरह हो जाएगा। यहाँ पे भी मादरचोद कोई संस्कार नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, टीचर को मिस्टर शुक्ला कह के बुलाने लगेंगे। मिस्टर शुक्ला नहीं हूँ मैं, शुक्ला सर हूँ, शुक्ला सर जी। जिसे चाहूँ उसे पनिशमेंट दे सकता हूँ। ए तुम्हें पढ़ना है मुझसे? आओ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आओ आओ ना, नहीं मारूंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, आओ ना। आओ ना बहुत निकिया। मेरे जैसे कितने ही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को मिस्टर शुक्ला जैसे टीचर्स के हवाले कर देते हैं, ये सोच के कि वो सनकी मार मार के उनका भविष्य निखार देगा। लेकिन ऐसे सीरियल बीटर्स सिर्फ अपने जैसे सीरियल बीटर्स को जन्म देते हैं, क्योंकि ये समाज उन बच्चों को महसूस करवाता है कि एवरेज स्टूडेंट बन के पिटते रहने से अच्छा है एक एवरेज टीचर बन के पिटाई करना। आइए हम प्रण लें कि हम अपने बच्चों को ऐसे टीचर्स से पिटने नहीं देंगे, सिर्फ खुद पीटेंगे। BBC चिंदी के लिए कैमरामैन युवराज सिंह के साथ मैं योगराज सिंह। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताओ, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब वगैरह कुछ करोगे कि नहीं करोगे? 80,000 लाइक्स चाहिए, टारगेट मिला है, पूरा होना चाहिए, कमेंट में आ जाओ। और हाँ, कॉइन स्विच कुबेर जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो। अगर यहाँ से करोगे तो 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री मिलेगा। और कॉइन स्विच कुबेर का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, अगर वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सीखने को मिलेगा कि कैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो बाय।